अंजलि मामले की बात करते हैं। दिल्ली के अंजलि केस में आज सुनवाई है, ये सुनवाई बहुत अहम है। 6 आरोपियों की रोहिणी कोर्ट में पेशी होगी आज। दरअसल खत्म हो रही है आरोपियों की रिमांड, दिल्ली पुलिस कर सकती है रिमांड बढ़ाने की मांग। और साथ ही ये जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से दी जाएगी कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या रहा। दिल्ली के सनसनीखेज कंझावड़ा केस में आज 6 आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस आरोपियों की 4 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आज फिर रिमांड की मांग कर सकती है। इसी बीच मृतक अंजलि के घर वालों ने वारदात के वक्त उसके साथ मौजूद रही निधि पर गंभीर आरोप लगाए। अब 6 जने इसके अंदर, निधि भी इस केस में इन्वॉल्व है, ये बहुत कुछ छुपा रही है निधि। अंजलि के घर वालों ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि जहां अंजलि की स्कूटी गिरी उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आई, वो गाड़ी के नीचे कैसे आई, उसकी फुटेज भी अब तक नहीं मिल पाई है। इस मामले में अभी 6 आरोपी पुलिस की हिरासत में है, तो वहीं 7वें आरोपी अंकुश खन्ना को जमानत मिल चुकी है। अंदर जाने के लिए ताला लगा हुआ है, यानी कि परिवार जब से मामला चर्चा में आया तब से परिवार यहाँ पर नहीं है, अंदर ताला लगा हुआ है। जो पड़ोसी हैं उनका कहना है कि परिवार के लोग यहीं पर रहते थे, लेकिन जब से ये मामला चला तब से वो यहाँ पे नहीं है।